Happy birthday to you. 让我听到你们的声音。Happy birthday to you. 내안다어치료망부레상부어그게제부로고간다다들을늦지가아니야나대애니예밀리지탑체애니용수속에상제게땜바애니타성공수야마저샤니즈물이디가라애니최대맹해서인데애니편도어강성용토야애니최대유행해서애니제가다지에네지고순그쳐버디디애니지기쳐버스미비따서서로지기어쳐대기하래남아붓다이타즈드릭아즈메두니아카두스라섭세운차패라글라이딩스탄빌링메훔오르아즈비스케산티두트프라갸케사거카르나케아바타परम पावन 14वें दलाई लामा जी का 88वां जन्मदिन है। अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों की तरह से उनके जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। परम पावन जी का जीवन एक जीवित इतिहास है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर हमें कुछ सीखना है, इतिहास को देखना है, जीवित इतिहास को देखना है, तो परम पावन जी के जीवन को देखिए। 6 जुलाई 1935 में जन्म लेने के बाद आज 6 जुलाई 2023 इन वर्षों के दौरान को अगर देखेंगे, इन 87-88 वर्षों को अगर देखेंगे, तो उनके जीवन के संघर्ष को हम समझ सकते हैं। परम पावन जी एकमात्र ऐसे भिक्षु हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो किसी भी भिक्षु के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। परम पावन जी को जो नोबेल प्राइज मिला वो उनके मानव कल्याण के कार्य के रूप में, मानव हित के कल्याणकारी कार्यों के रूप में 1989 में प्राप्त हुआ, तो ये गर्व की बात है। ऐसे तमाम सैकड़ों की संख्या में परम पावन जी को बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, चाहे मैग्सेसे हो जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, उसके अलावा सैकड़ों की संख्या में उनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। परम पावन जी अपने एक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनको दुनिया का हर पंथ परंपरा के लोग उनको मानते हैं, सर आँखों पर लेते हैं। परम पावन जी ने भारत की कला संस्कृति, खासकर नालंदा की जो परंपरा है, उसको विश्व में पहुंचाया। जब से वो और उनके अनुयायी 1959 में भारत में आए, हालांकि तिब्बत की परिस्थितियां खराब होने की वजह से परम पावन जी ससम्मान भारतीय सरकार के निमंत्रण पर, एक प्रकार से कहा जाए कि एक आतिथ्य के रूप में यहां पर पधारे, और तब से लेकर के भारत में रह कर के शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, तमाम शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, जिसका डंका दुनिया में बज रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो दुनिया भर के लोग पढ़कर यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने जीवंत नालंदा की परंपरा को भारत में स्थापित किया है। आप लोगों को अगर कभी अवसर प्राप्त हो तो आप साउथ इंडिया जाएँ, हुबली जाएँ, बेलाकोपी जाएँ, वहाँ पर देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े मठ बने हैं, जो ये केवल और केवल पूजा पाठ के मठ नहीं है। वहाँ पर 20-25 वर्षों तक अध्ययन होता है, वहाँ पर विद्वान निकलते हैं, सैकड़ों की संख्या में हर वर्ष विद्वान निकलते हैं। इसके अलावा तिब्बत की जो चार परंपराएं हैं, साक्या, गैलुक, निग्मा, काग्यू, इनके भी अगर विश्वविद्यालयों की संख्या को देखें, इनके महाविहारों की संख्या को भी देखें, तो भारत में जगह जगह पर व्याप्त हैं, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक। इसके अलावा हमारे भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इनके जहाँ भी सेटलमेंट्स हैं, जहाँ पर भी तिब्बती भाई बहन रह रहे हैं, हर जगह अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा है। भारत की संस्कृति के साथ साथ इन्होंने अपनी तिब्बत की कला संस्कृति को बचा करके रखा है, और ये सारा का सारा संभव केवल और केवल परम पावन जी की
बदौलत ही हो सका है। आज हम सभी भारतीय उनको बधाई दें, उनको शुभकामनाएं दें और उनके जीवन के लिए बहुत सारे हम प्रार्थनाएं करें। हम क्योंकि परम पावन जी का जन्म भले ही तिब्बत में हुआ, वो तिब्बतियों के सर्वोच्च गुरु भले ही हो, तिब्बत के सर्वोच्च गुरु भले ही हो, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने मानवता का पाठ विश्व को पढ़ाया, इसलिए वो विश्व गुरु हैं। परम पावन जी पूरे संसार के, पूरी दुनिया के गुरु हैं, वो किसी पंथ परंपरा के नहीं हैं। जितने परम पावन जी तिब्बती लोगों के हैं, उतने ही मेरे हैं, हम भारतीयों के हैं। इसलिए परम पावन जी के ज्ञान को हमें सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। परम पावन जी जैसी हस्ती युगों युगों में एक बार होती है। परम पावन जी जैसा ज्ञान प्राप्त होना किसी के दूसरे के लोगों में देखने को या ऐसे आसान संभव नहीं होता है। आप उनके कृतित्व को देखेंगे, उनके जब अवार्ड्स को देखेंगे, उन्होंने क्या क्या पाया है, तो धर्मशाला में दलाई लामा आर्काइव में जब जाएंगे तो देखेंगे कि उनके पास 70-75 से अधिक पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त हैं। कई देशों की, 50 से अधिक देशों की उनके पास चाबियां हैं, अर्थात इतने देशों ने उनको आमंत्रित किया है कि आप कभी भी हमारे यहाँ आकर के रह सकते हैं। परम पावन जी के पास तमाम सम्मान है, तो कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर परम पावन जी के आर्काइव में आकर के देखें। इस प्रकार का जो सम्मान, इस प्रकार की जो डिग्री, जो पीएचडी की डिग्री शायद ही विश्व में किसी को प्राप्त हुई हो, अतीत काल में शायद ही किसी को हुई हो, वर्तमान काल में शायद ही किसी को हुई हो। तो इस प्रकार के परम पावन जी की जो एक ख्याति है, उपलब्धि है, वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा गर्व को महसूस कराती है। और परम पावन जी हमेशा कहते हैं कि मैं भारत का पुत्र हूँ, तो भारत का पुत्र होने के एक वजह है। परम पावन जी ने वास्तव में जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो भारत के विद्वानों के द्वारा, नालंदा के विद्वानों के द्वारा प्राप्त किया है, भगवान बुद्ध की शिक्षा को प्राप्त किया है। इसी वजह से जो उनकी प्रज्ञा है वो भारतीय ज्ञान से, प्राचीन भारतीय जो विद्या, नालंदा के विद्वानों की विद्या उनके मन मस्तिष्क पर अच्छी तरह से उतरी है, उसका वो अभ्यास करते हैं। वो साक्षात बुद्ध हैं, उन्होंने शून्यता को प्राप्त कर लिया, उन्होंने बोध चित्त को उत्पन्न कर लिया, साक्षात रूप से कर लिया, वो साक्षात बुद्ध हैं। और इस युग में उनका बार बार आना केवल और केवल यही दर्शाता है कि जब तक जो जीवधारी हैं तब तक उनकी आवश्यकता है। और परम पावन जी की अपनी प्रार्थना भी है कि जब तक जीवधारी रहेंगे तब तक मैं बार बार आता रहूँगा। तो ऐसे परम पावन जी को करुणा के प्रतीक, परम पावन जी को पुनः 88वें जन्मदिन की मेरी तरफ से, पूरे भारत के लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन दीर्घायु को प्राप्त हो, वो निरोगी रहें और जितना हो सके इस पृथ्वी पर रहें, जिससे कि हमारे जैसे लोग हैं उनका, उनके अंदर जो अज्ञानता है वो दूर होते रहे। तो इसी के साथ परम पावन जी को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनका नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और वो इस दुनिया में स्वस्थ रहें और दीर्घायु को प्राप्त हों। टच द लेक, नमो बुद्धाय।